परसबीज आपको खबर दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी मित्र योजना को लॉन्च किया है। ये एक ऐप है जिसमें प्रवासी राहत मित्र ऐप है, इसे लॉन्च किया है। इस ऐप में प्रवासी श्रमिकों और नागरिकों को लाभ मिलेगा। राजस्व विभाग ने इस ऐप को तैयार किया है जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च किया। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जहां पर राजस्व विभाग ने प्रवासी राहत मित्र को तैयार किया है और आज इसकी लॉन्चिंग सीएम योगी आदित्यनाथ ने की। और हमारे साथ स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब जुड़ रहे हैं। भट्ट साहब, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हर प्रकार की रणनीति बना रहे हैं और इस बीच एक ऐप जो कि आज लॉन्च किया गया है, प्रवासी राहत मित्र ऐप, क्या कुछ इसकी विशेषता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया जा सकता है? सुनीता, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों में हैं वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, उसको लेकर कहीं न कहीं सरकार एक ठोस रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि 15 लाख से ज्यादा इनकी संख्या है और ये उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो इनको किस तरह से विभिन्न रोजगारों में इनको इन्वॉल्व किया जाए, इनको रोजगार दिया जाए। तो सरकार ने इसको लेकर एक प्रवासी राहत मित्र ऐप, जो उत्तर प्रदेश का जो राजस्व विभाग है उसके अंतर्गत राहत आयुक्त आते हैं, उन्होंने ये ऐप तैयार किया है और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लॉन्च किया है। ये ऐप बहुत महत्वपूर्ण है सुनीता, और जिस तरह से अगर इस ऐप की अगर हम खासियत के बारे में बात करें तो निश्चित रूप से ये उन प्रवासी मजदूरों को, जो जिनकी संख्या लाखों में है, उनको इससे काफी लाभ मिलेगा। यानी कि सरकार उन प्रवासी मजदूरों का पूरा डाटा, मैं यहाँ अगर शुरू करूं कि उनकी शैक्षिक योग्यता, उनका जन्म स्थान और उनका जो किस चीज में वो मतलब माहिर हैं, यानी कि वो किस चीज में उनको जानकारी है, और उनका जो आधार कार्ड है उससे वो लिंक रहेगा, क्या क्या चीजें वो कर सकते हैं, ये तमाम जो डाटा है उसमें मौजूद रहेगा। और उसके साथ साथ तो सबसे बड़ी बात यह है कि COVID-19 में जब ये यहाँ आते हैं तो उनकी जांच होती है, तो उनकी वर्तमान COVID-19 की स्थिति क्या है, संक्रमण की स्थिति के बारे में, ये तमाम चीजें जो है उस डाटा में फीड रहेगा, और उस डाटा से निश्चित रूप से उन प्रवासी मजदूरों को बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तरह से सरकार एक कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक ऐसा डाटा तैयार कर रही है जनपदों से, इसमें ये ऐप बहुत ही सहायक होगा कि हर एक मजदूर का पूरा डाटा, यानी कि हर तरह से जो है उसके बारे में जानकारी उस ऐप में मौजूद रहेगी, और जिससे सरकार को जब जरूरत पड़ेगी उनको रोजगार देने के लिए, तो इस ऐप के माध्यम से चाहे इंडस्ट्री में चाहे अन्य क्षेत्रों में सरकार की जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उसमें इन मजदूरों को जब रोजगार देने की बात आएगी तो उस ऐप में बहुत ही सहायक होगा वो ऐप। तो सरकार का ये निश्चित रूप से जो ये पहल है ये बहुत शानदार है, और इससे कहीं न कहीं योगी सरकार लगातार इस कोशिश में बनी हुई है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे अब वो वहां से यहाँ आए हैं, यानी कि अपने गृह जनपद उत्तर प्रदेश, गृह राज्य उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उनके सामने कहीं ना कहीं रोजगार का जो संकट होगा उसको किस तरह से वो जो है बर्दाश्त कर पाएंगे, तो सरकार उसमें अब ये बहुत बड़ी सहायक बनने जा रही है कि इस प्रवासी राहत मित्र ऐप के द्वारा पूरी तरह से वो कहीं न कहीं उस मजदूर के बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करके और फिर रोजगार का सृजन करके और फिर उस रोजगार को उस मजदूर तक पहुंचाने का कार्य अब योगी सरकार इस प्रवासी राहत मित्र के माध्यम से करने जा रही है। जी बिल्कुल भट्ट साहब, जिस प्रकार की आप जानकारी दे रहे हैं, प्रवासी राहत मित्र, जिस प्रकार का नाम ही है स्पष्ट हो जाता है कि आप प्रवासी मजदूर हैं और अगर आप कोई भी ऐसी योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है तो आप इस ऐप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। राजस्व विभाग ने इस ऐप को तैयार किया है, क्या कुछ खूबियों के साथ इसे बनाया गया, क्योंकि लगातार सरकार ये कोशिशें कर रही है कि किसी भी तरीके से जो प्रदेश के मजदूर हैं उनको भटकना ना पड़े। कल हम ये बात कर रहे थे कि उनके कौशल
पोटेंशियल के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से एक खाका तैयार किया जा रहा है, एक सूची तैयार की जा रही है। कुल मिलाकर हर वो संभव कोशिश यहाँ पर सब नजर आ रही है कि मजदूरों को अब इस संकट काल में, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में कई मजदूरों की नौकरियां चली गई हैं, उनका जो रोजगार था वो जाता रहा, एक बड़ी समस्या सभी के सामने आकर खड़ी हो गई है। तो एक इनके लिए एक बड़ा राहत भरा ये जो है ऐप माना जा सकता है। सुनीता, निश्चित रूप से जो लाखों की संख्या में जो प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके पास कार्य का क्या संसाधन रहेगा, किस तरह से वो काम करेंगे, क्योंकि उन राज्यों में जहां वो नौकरी कर रहे थे निश्चित रूप से वो अब बेरोजगार होंगे। तो सरकार को इस चीज की बड़ी चिंता थी और राजस्व विभाग इस चीज को, राजस्व विभाग के अंतर्गत एक विभाग है राहत आयुक्त का, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आपदा के समय जो राहत पहुंचाने का काम करता है वो ये विभाग करता है। तो निश्चित रूप से ये उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में ये आपदा का ही विषय है और इस ऐप को लॉन्च करके, प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये निश्चित रूप से ये उन प्रवासी मजदूरों को बहुत ही लाभकारी होगा, जिसमें उनको पूरी तरह से वो उनका डाटा उसमें पूरा फीड किया जाए, यानी कि आधार नंबर, यूनिक आईडी कार्ड जनरेट करके, उसके साथ साथ उनका स्किल क्या वो वहां करते थे, जैसे अगर कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, राजमिस्त्री है, या फिर किसी कारखाने में मजदूर है, या कहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर है, तो उसकी क्या खासियत है, वो तमाम चीजें उसमें उस ऐप में फीड रहेंगी। और उसके साथ साथ सुनीता, सबसे बड़ी बात यह है कि वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं और जिस तरह से COVID-19 का प्रकोप है, तो उससे भी बचने के लिए सरकार वर्तमान में उनके आश्रय स्थल, यानी कि जहां उनको क्वारंटीन किया जाएगा, या फिर अगर वो अपने गृह जनपद चले जाते हैं तो वहां पे उनकी क्या स्थिति है, और उसके साथ साथ पूरा डिटेल अगर हम कहें तो इनकी जो COVID-19 की स्थिति है, वर्तमान स्थिति की, वो कोरोना फ्री है, तो वो सारे डाटा इस प्रवासी राहत मित्र ऐप में मौजूद रहेगा। ये निश्चित रूप से सरकार ने एक टेक्नोलॉजी जो है उच्च स्तर का इस्तेमाल किया है टेक्नोलॉजी का, और इससे कहीं ना कहीं उन प्रवासी राहत मजदूरों को, क्योंकि उनके सामने अब रोजगार का संकट रहेगा, और लगातार योगी सरकार अगर हम देखें तो तकरीबन अब 15-20 दिनों से लगातार इस पर मंथन कर रही है कि इन लोगों को रोजगार कैसे दिया जाए, तो ये प्रवासी राहत मित्र है निश्चित रूप से उसमें सुनीता ये बड़ा सहायक सिद्ध होगा। बिल्कुल, तो हर हाथ में अब मोबाइल फोन्स हैं और आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और सरकार ये चाहती है कि अगर हाथ में मोबाइल है तो उसका आप सदुपयोग करें और प्रवासी भारत मित्र जो ऐप है उसको डाउनलोड करें और जो तमाम जानकारी इसमें साझा की गई है उसका उपयोग करके आप रोजगार भी पा सकते हैं। बट साहब, एक सवाल और कि अभी जो मजदूरों की स्थिति है, कितने और मजदूर जो है वो अभी प्रदेश में लाने बाकी है जो लगातार स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है? सुनीता, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जिस तरह से अगर हम आज देखें तो आज भी कई ट्रेनें उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से ट्रेनें आ रही हैं, कल भी जो है हजारों की संख्या में जो मजदूर है, प्रवासी मजदूर हैं, वो विभिन्न ट्रेनों से वो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है और लगातार उनकी एक कोशिश है और लगातार वो अपने संदेश के माध्यम से ये मैसेज देने का भी काम कर रहे हैं कि आप वहीं रुकें, आपको हम लाएंगे, हमारे पास वो व्यवस्था है, आप बिल्कुल घबराएं नहीं। और उन लोगों को बहुत ही सुनियोजित तरीके से ट्रेनों के माध्यम से विभिन्न राज्यों के जनपदों से संपर्क करके उत्तर प्रदेश वो लाया जा रहा है, यानी कि सरकार ने ये कमर कस ली है, ये जो प्रवासी मजदूर है अगर उन राज्यों में फंसे हुए हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में इन ट्रेनों के माध्यम से लाया जाए। और इसी तरह से कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे उनको भी सरकार ने बसें भेजकर लगातार जो है उनको वहां से लाने का काम किया, इससे बहुत राहत हुई है। और धीरे धीरे अगर हम देखें तो रोज दर्जनों ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, उससे कई हजार मजदूर आ रहे हैं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती जा रही है। और सरकार का जो पूरा लक्ष्य है कि एक भी प्रवासी मजदूर जो अपने प्रदेश आना चाहे वो निश्चित रूप से आए, उसका स्वागत है जी। तो ये सरकार ये निश्चित रूप से ये जो पहल है वो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सराहनीय।
बिल्कुल। और भट्ट साहब, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक संदेश भी जारी किया है कि जो मजदूर जहां फंसे हुए हैं, अगर आप प्रदेश से बाहर हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हादसा हमने आज देखा, जो लगातार जो मजदूर थे, 16 मजदूरों की मौत हो गई, उसको लेकर भी कई लोग चिंतित होंगे कि इस प्रकार के हादसे ना हो। तो संदेश भी जारी किया गया है कि आप जहां हैं वहां पर आप परेशान ना हो, आप सुरक्षित हैं और सरकार आपके लिए चिंतित है। इसलिए न्यूज वर्ल्ड चैनल के माध्यम से हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, जो भी सरकार है वो आपके लिए अच्छे कदम उठा रही है, और ये जो ऐप है इसको आप डाउनलोड करें ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए व्हाट्सएप। तो प्रवासी राहत मित्र, जिस प्रकार से ऐप का नाम दिया गया है, आपके मित्र की तरह ये काम करेगा, राहत देने का काम करेगा। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी सरकार आपके लिए योजनाएं बना रही है वो आप तक मुहैया हो पाएंगी।